जानिए सोमवार के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं। अगर आप भी सोमवार के दिन बाल धोते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हो सकता है सोमवार के दिन बाल धोना आपके और आपके परिवार के लिए खतरे से खाली ना हो। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि सप्ताह में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कुछ विशेष काम जैसे कि बाल धोना, नाखून काटना और बाल काटना भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना इसका असर आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हो सकता है। तो कहीं आपके जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों की जड़ ये गलत दिन पर किए गए आपके यही काम तो नहीं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन से दिन ये काम नहीं करने चाहिए और कौन से दिन ये काम करने चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिट ऑफ इंडिया चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि आज के दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए या नाखून नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसे कर्मों के लिए कुछ शुभ और अशुभ दिन बताए गए हैं। ये नियम विवाहित महिलाओं और कुंवारी लड़कियों के लिए अलग अलग है, और सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जो महिलाएं इन नियमों को अपनाती हैं वो ना केवल अपने जीवन में तरक्की करती हैं बल्कि उनकी खूबसूरती भी और ज्यादा बढ़ती है। इन नियमों को ना अपनाने की वजह से आपके घर में दरिद्रता, नकारात्मकता और गरीबी बढ़ सकती है। तो चलिए बताते हैं आखिर क्या कहते हैं हमारे गुरु जी इन दिनों के बारे में। तो सबसे पहले सोमवार के बारे में गुरुजी का कहना है कि सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी सोमवार वाले दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए, इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आ सकती है। वहीं कुंवारी लड़कियां इस दिन बाल धो सकती हैं। इसके बाद मंगलवार के बारे में गुरुजी का कहना है कि मंगलवार के दिन अगर सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो इससे ना केवल उनके परिवार में नकारात्मकता आती है बल्कि महिलाओं का मंगल ग्रह भी कमजोर होता है, जिससे उन्हें रक्त संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ कुंवारी लड़कियों को भी मंगलवार को सिर नहीं धोना चाहिए, वरना उन्हें भी शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। बुधवार के लिए गुरुजी कहते हैं कि बुधवार के दिन महिलाएं, पुरुष और कन्याएं अपने बाल धो सकती हैं। इस दिन बाल धोने से घर में धन संपदा और समृद्धि बढ़ती है, व्यापार में वृद्धि होती है, लेकिन बुध आपके भाई बहनों से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं तो बुधवार के दिन बाल धोना आपके भाई बहनों के लिए कष्टदायक साबित हो सकता है। गुरुवार वाले दिन के लिए शास्त्रों में कहा जाता है कि भूलकर भी गुरुवार वाले दिन किसी को भी ना तो अपने बाल धोने चाहिए और ना ही कपड़े धोने में साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह कमजोर होता है, आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है और धन हानि के योग बनते हैं, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। बात करें तो शुक्रवार की, तो धार्मिक ग्रंथों में शुक्रवार का दिन बाल धोने के लिए सबसे ज्यादा शुभ कहा जाता है। इस दिन आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, जिससे न केवल आपकी धन संपदा बढ़ती है बल्कि वैभव, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा शनिवार आपकी कुंडली के शनिदेव को प्रभावित करता है, तो इस दिन महिलाएं भूलकर भी बाल ना धोए, वरना उनके पति की आयु कम हो सकती है। इसके अलावा सप्ताह से सबसे आखिरी दिन रविवार को महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए, लेकिन कुंवारी लड़कियां और पुरुष इस दिन बाल धो सकते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए सप्ताह के सभी दिनों में सर धोने और ना धोने के कुछ खास नियम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ना कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।